बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय कुकिंग चैनल मनो सलवा। तो कैसे हैं व्यूवर्स आप लोग? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे और अपने अपने घरों में खैर आफिया से होंगे। अल्लाह पाक हम सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, आमीन सुमा आमीन। व्यूवर्स, आज जो मैं आप लोगों के साथ डिश शेयर करने जा रही हूँ, ये बहुत ही मज़ेदार बनती है और ये हर दिल अजीज डिश है और जो सबको बहुत ही पसंद आती है। इसका नाम है हलीम या दलीम, जो भी आप इसको नाम देना चाहेंगे। उसके इंग्रीडियंट्स मैं आप लोगों के साथ शेयर कर लेती हूँ। आधा किलो मैंने लिए हैं बनस्पति चावल, एक पाव मैंने जौ लिया है, एक पाव ही मैंने गंदम ली है, आधा किलो मैंने माश की दाल ली है, आधा किलो मैंने चने की दाल ली है, आधा किलो ही मैंने मूंग की दाल ली है और आधा किलो ही मसूर की दाल ली है, ठीक है। और ये 3.5 किलो गोश्त है गाय का, ठीक है। तो अब मैं इसको डीप करूँगी बाउल में तकरीबन 1 से 2 घंटे के लिए, तो फिर मैं आपको बताती हूँ आगे का। तो चलें जी व्यूवर्स, हम बनाना शुरू करते हैं दलीम के लिए कोरमा। कोरमा के जो है इंग्रेडिएंट्स मैं आपको बता देती हूँ। ये मैंने 3 चम्मच लिए हैं लाल मिर्च पाउडर के, 1.5 मैंने चम्मच लिया है धनिए का और ये 2.5 चम्मच मैंने नमक के लिए, ठीक है। और ये 2 मैंने टीस्पून लिए हैं हल्दी के और ये 2 ही भर के मैंने टेबलस्पून लिए हैं गरम मसाला पिसा हुआ और ये मैंने कुछ साबुत गरम मसाला लिया है, ये भी मैं कोरमे में शामिल करूँगी। और यहाँ पर मैंने लिए हैं 2 कोरमे मसाले के पैकेट, ठीक है। मैं कोरमे मसाले से बनाऊँगी इसका। और ये मैंने दही लिया है 1/2 किलो और 1 किलो मैंने लिया है प्याज जिसको मैंने बारीक काट लिया है, 1 कप मैंने जो बड़ा वाला है ऑयल का लिया है और ये 3.5 किलो मेरा जो है गोश्त है। तो चलें कोरमा बनाना शुरू करते हैं आज। ये मैंने कुकर ले लिया है क्योंकि मैं कुकर में जल्दी गलाना चाहती हूँ गोश्त, तो उसमें मैं ऑयल डाल दूँगी। ऑयल मैंने मुनासिब रखा है, बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि आपको पता है गोश्त जो है उसका अपना फैट है और बाद में हमने बघार भी लगाना है इस पर, ठीक है। जब तक ऑयल गर्म होगा, ये जो मैंने 1 किलो प्याज लिया है अब वो मैं इसमें शामिल कर दूँगी अपने ऑयल में। जैसे मेरा ऑयल गर्म होगा अच्छा, मैंने बहुत ज़्यादा गोल्डन नहीं करना, ठीक है, बस हल्का सा लाइट सा इसका कलर चेंज करूँगी और फिर मैं इसके अंदर गोश्त और बाकी मसाले शामिल करूँगी। फिर मैं आपको दिखाती हूँ क्या इसकी वो है। व्यूअर्स, ये मेरे जो हो गए हैं प्याज लाइट, इसका जो कलर है वो गोल्डन हो। अब मैं इसमें जो है गोश्त शामिल कर दूँगी, ठीक है। चलिए ये हो जाएगा ज़रा मेरा, फिर इसके अंदर मैं लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करूँगी, बाकी मसाले डालूँगी, ये ज़रा इसका जो कलर चेंज हो जाए, गोश्त अपना कलर चेंज करे, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो जी देखिए व्यूअर्स, ये जो मैंने कोरमा मसाला लिया था मैं इसको दही में मिक्स करने लगी हूँ, अच्छी तरह से मिक्स करके दही में, फिर मैं अपने गोश्त में शामिल करूँगी। और जो बाकी मसाले हैं बस गरम मसाला छोड़ के, वो भी सब मैं इसमें ऐड करके अच्छी तरह से मिक्स करके अपने जो है कोरमे का जो गोश्त है उसमें शामिल कर दूँगी। ये हमारा मसाला मिक्स हो गया है। अब मैं जो मेरा गोश्त देखें, अब गोश्त को इसने कलर अपना चेंज कर लिया गोश्त ने हमारे। अब इसमें मैं लहसुन अदरक का जो पेस्ट है वो, जिसमें हरी मिर्च ज़ीरा लहसुन अदरक है जिसका मैंने पेस्ट बना के रखा है, उसमें शामिल कर रही हूँ। थोड़ी सी इसकी भुनाई करेंगे। व्यूअर्स, आप लोग बनाइएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छा लगेगा। और ये जो आज मैं दलीम बना रही हूँ, ये हमारी एक बहुत ही अच्छी व्यूअर्स हैं जो कि हमारी हर वीडियो को लाइक करती हैं, उस पर कमेंट्स करती हैं, शुमाइला नदीम, उनकी फरमाइश में मैं आज जो है दलीम बनाना आप लोगों को सिखा रही हूँ। आप सब मेरी बहनें इसको ट्राई कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ लाइक शेयर करना मत भूलिएगा, मेरी फैमिली का हिस्सा बने और इसी तरह मुझे लाइक करते रहें और मेरा हौसला जो आप लोग बढ़ाते रहेंगे, इंशाल्लाह आपको अच्छी अच्छी जो है रेसिपी सीखने को मिलेगी। तो देखिए जी व्यूअर्स, अब बाकी इसमें जो गरम मसाला पिसा हुआ गरम मसाला हल्दी ये इसमें ऐड करेंगे। आपको पता है ये कुकर में बनेगा तो इसीलिए सब चीज़ें एक साथ ऐड करके थोड़ी सी भुनाई करके हम कुकर को जो है बंद कर देंगे और गोश्त को इतना गलाएंगे कि वो इजीली हमारे जो दलीम में जब दालों में डलेगा तो इजीली वो घुट जाए, इसका रेशा रेशा सब अच्छी तरह से हो जाए। अच्छा जी, ये कुछ मैंने हरी मिर्ची तकरीबन 20 से 25 मैंने जो ज़्यादा तीखी हरी मिर्ची होती हैं उनको बारीक काट लिया है, उसमें मैं शामिल करूँगी।
ये मसाला, ठीक है, ये भी हम इसके अंदर शामिल कर देंगे। और फिर मैं इसकी थोड़ी सी भुनाई करके तो कुकर में पानी डाल के और इसको प्रेशर कर दूंगी। अभी मैं आपको दिखाऊंगी थोड़ा सा इसको भून के। अब मैं इसको तमाम मसाले को अपना अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। माशाल्लाह गोश्त हमारा ज़्यादा है तो थोड़ा सा ज़रा मुझे प्रॉब्लम हो रही, लेकिन अलहमदिल्ला हो जाएगा, सब मिक्स हो जाएगा। बस इसलिए मैं कर रही ताकि मेरा गोश्त है ना बहुत अच्छी तरह से टेंडर हो जाए और मुझे जो है ज़्यादा तली में घोटा लगाने का टाइम ना मेरा लगे। ठीक है, मैं जल्दी से आप लोगों को तैयार करके दिखा दूँ। तो देखिए जी व्यूअर्स, हमारा गोश्त जो है, दही ने अपना पानी ज़रा छोड़ दिया है, गोश्त जो भुनाई की तरफ आ रहा है। अब मैं इसके अंदर जो मैंने पानी गर्म किया था वो मैं इसमें शामिल कर दूंगी और इसको मैं तकरीबन आधे घंटे के लिए मैं इसको रखूंगी। जब इसकी विसल बज जाएगी, सीटी बजेगी, वेट शुरू होगा, उसके आधे घंटे तक मैं इसको जो पकाऊँगी ताकि मेरा गोश्त जो है ना बहुत अच्छी तरह से गल जाए। चलो इसमें पानी शामिल करते हैं। पानी मैंने साइड पे जो है मैंने बॉईल कर लिया। मैं हमेशा अपने गोश्त में जो पानी बॉईल करके डालती हूँ, इससे ये जो होता है कि हमारे गोश्त का जो कलर है वो भी खूबसूरत रहता है और गोश्त जो है ना वो जल्दी गल जाता है। ये तकरीबन 2 लीटर पानी जो मैं इसमें शामिल कर रही हूँ, तो आप देख रहे हैं। अब मैं इसको मिक्स कर लूँगी और फिर मैं इस कुकर को बंद कर दूँगी और जब गोश्त मेरा बिल्कुल गल जाएगा, बहुत अच्छी तरह से गल जाएगा, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। जी व्यूअर्स, हमने तकरीबन 20 से 25 मिनट अपने जो कुकर को बंद करके चलाया है, गोश्त चेक करते हैं हमारा गोश्त कितना जो है वो गला है। पानी देखिए कितना ज़्यादा है, गोश्त देखो मेरा गोश्त कितना गल चुका है। जी हाँ, माशाल्लाह गोश्त हमारा बहुत अच्छा है। अच्छा, अब मैं इस गोश्त को दूसरे पतीले में इसको शिफ्ट करूंगी और कुकर में मैं तकरीबन 10-10 मिनट जितनी भी दालें हैं उनको बॉईल करके बड़े पतीले में शामिल कर दूंगी। तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए व्यूअर्स, मैंने यहाँ गेहूँ और गंदम दोनों डाल दिए हैं। इसमें मैं ये 1 चम्मच नमक का डाल दूँगी और थोड़ी सी कहने के हाफ से भी हाफ टी स्पून जो है हल्दी का इसमें शामिल करके मैं इनको बॉयल करके कुकर में फिर बड़े पतीले में शिफ्ट करती जाऊंगी। इसी तरह मैं तमाम दाने जो हैं वो इसी तरह बॉईल करके तो मैं उसमें कर लूँगी। ठीक है, गेहूँ और गंदम देख रहे हैं। अब मैं इसको तकरीबन 10 से 12 मिनट इसको बॉईल करती हूँ और मैंने एक साइड पे ये गोश्त अपना रख दिया है क्योंकि इसमें थोड़ा पानी था। ये पानी खुश्क हो जाएगा तो फिर हम इसको जो भून के अच्छी तरह से अपनी दालों में मिक्स करेंगे, वो सब मैं आपको दिखाऊँगी। ठीक है व्यूअर्स, अब मैंने जो गेहूं और गंदम थी वो मैंने बॉईल करके अलग कर दिए। अब मैं चने की दाल मतलब बॉईल करने लगी हूँ, कुकर में गलाने लगी हूँ। इसमें भी मैं 1/2 चम्मच मैं नमक का और चुटकी कह लीजिए हल्दी, इस सब मैं थोड़ा थोड़ा डाल के इसको बॉईल करती रहूँगी और इसको अच्छी तरह मिक्स करके मैं इसको 10 मिनट के लिए कुकर बंद करूँगी। जब 10 मिनट जब होंगे, जब इसकी सीटी बजेगी, जब तक 10 मिनट तक मैं इसको बॉईल करूँगी। ठीक है, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखिए जी व्यूअर्स, ये जो हमने सारी दालें गेहूं चावल और ये जो चने की दाल ये सब हमने कुकर में अपना ये करके गला के तो ये बड़े वाले पतीले में हमने डाल लिया। ठीक है, अब इसके अंदर मैं थोड़ा सा जो है मसाला डालूँगी क्योंकि मैं चाहती हूँ कि ज़रा चटपटा मेरा हलीम बने। तो ये मैंने जी 3 जो खाने के चम्मच लाल मिर्च का पाउडर लिया था वो मैं इसके अंदर शामिल करने लगी। ढाई चम्मच मैंने नमक लिया है क्योंकि नमक मैंने वैसे भी थोड़ा थोड़ा सा शामिल किया था और ये 2 खाने के चम्मच मैं गरम मसाला वो ऐड करने लगी इसके अंदर। अच्छा, थोड़ा सा मैं इसको करके क्योंकि ये देखें आप जो दालें हैं माशाल्लाह बिल्कुल ही वो घुली हुई है, नज़र आ रहा है आपको। अब मैं थोड़ा सा इसको 10 से 15 मिनट इसको पकाऊंगी, फिर इसके अंदर मैं अपना जो कोरमा मैंने तैयार किया हुआ है वो इसके अंदर मैं मिक्स कर दूंगी और फिर जो इसका जो अमल शुरू होगा घोटा लगाने का, जो मेन तलीम में जो काम होता है वो घोटा लगाने का होता है। तो बस उससे घोटा लगा के फिर इंशाल्लाह इसको हम बघार लगा कर और जो उसकी गार्निशिंग करके फिर मैं आपको उसकी जो फाइनल लुक है वो दिखाऊंगी। अभी मैं आपको
कोरमा डालते हुए दिखाती हूँ। तो ये देखिए व्यूअर्स, ये जो हमने कोरमा बनाया था, तो मैं इसको ज़रा गोटे की मदद से इसकी बूटियों को थोड़ा सा तोड़ दूँगी ताकि मुझे वहाँ पर आसानी रहे इसको गोटा लगाने की। और हम इसको ज़रा आराम से अब हम इसके अंदर ये जो कोरमा हमने तैयार किया था ये शामिल कर देंगे। एहतियात के साथ उसको शामिल करें। अब दिखाऊंगा, तो ये देखें जी, अब इसमें हमने ये डाल दिया है अपना जो कोरमा, और घोटे की मदद से अब हम इसको इसमें मिक्स कर देंगे और दालें गोश्त ये सब यकजान हो जाए और फिर जो है इसकी खूबसूरत सी एक शक्ल निकल आएगी। बस ये इसका जो मेन काम है वो है इसका घोटा लगाना। तो देखिए जी व्यूअर्स, हमारा जो हलीम है किस कदर शानदार तैयार हुआ है, बहुत ही मज़े का माशाल्लाह बना है। तो ज़रूर आप इसको ट्राई कीजिएगा, ठीक है, हमारी रेसिपी के साथ। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मुझे और अपने प्यारों को अपनी नेक दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। तो ये देखें जी हमारा माशाल्लाह कितना खूबसूरत हमारा जो है हलीम तैयार हुआ है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। अपनी दुआओं में मुझे और अपने प्यारों को ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।